नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आर्ट पे। दोस्तों, ईवीएस के लिए जो हमने मॉडल पेपर तैयार किए थे, अभी तक मैं 2 मॉडल पेपर तैयार कर चुका हूँ। बहुत लोगों ने उसको पसंद किया है और उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने कमेंट किया और लाइक किया। ओके, इसलिए मैं तीसरा मॉडल पेपर लेके आया हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो दोस्तों तीसरा मेरा मॉडल पेपर है, जिन लोगों ने मेरे 2 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उनको मैं लिंक इसी डिस्क्रिप्शन, इसी जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन पे दोनों का लिंक दे दूंगा। वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों की वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों, आप लोग हमेशा याद रखना, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है ना वो दोमट मिट्टी होती है। ओके, सबसे उपजाऊ मिट्टी तो पौधों की वृद्धि हेतु भी सबसे अच्छी मिट्टी होगी जो, वो दोमट मिट्टी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? दोस्तों, मेरा मकसद जो है इसमें आपकी तैयारी कराने के साथ साथ मेरा मकसद ये है कि एटलीस्ट जब आप एग्ज़ाम पे जाओगे तो इसी तरह का पेपर आपका होगा, इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा और आप अच्छी तरीके से आंसर दे पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बांदीपुर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पे बहुत सारे टाइगर पाए जाते हैं, तो ये हमारे कर्नाटक राज्य में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अरावली पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान में है, दिल्ली जहाँ से ख़त्म होता है, हरियाणा से शुरू होके लगभग अहमदाबाद तक ये पर्वत श्रृंखला है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ये। ओके, बहुत ऊंचे पहाड़ थे पहले लेकिन इतने प्राचीन है कि अभी ये छोटे हो गए हैं किसी किसी के, बहुत पुराने। तो इसमें सबसे जो ऊंची चोटी है इसकी वो है आपकी गुरु शिखर, जो अनाई मुड़ी लिखी हुई है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो महेंद्रगिरी लिखी हुई है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और जो माउंट आबू है ये एक वहाँ पे, ये भी एक पर्वत है, वहाँ पे एक सिटी भी है, एक माउंट आबू, ओके, डिस्ट्रिक्ट भी है। तो जो गुरु शिखर है वो सबसे ऊंची चोटी है, करीब 1700 मीटर के आसपास, जो माउंट आबू सिटी में ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाघों की गणना कौन करता है? तो क्या है, वन मंत्रालय करता है, वन आयोग, या भारतीय बाघ आयोग? भारतीय बाघ आयोग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो इसकी जो गणना करता है वो करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो संवैधानिक सलाहकार पहले होता क्या है, तो जब उस समय तो गूगल तो था नहीं कि गूगल में मारा और देख लिया कि किस देश का संविधान कैसा है, तो सारे हमारे देशों का करीब, जो हमारा जो संविधान है उसमें करीब 70 देशों का संविधान मतलब पढ़ने के बाद बनाया गया है, और लगभग बहुत देशों के जो चीज़ें हैं वो अच्छी चीज़ें हमारे संविधान पे रखी गई हैं। तो उस समय जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव, इनको जो है भेजा गया था, 70 देशों की यात्राएं करी थी इन्होंने, 60 देशों की, और उसमें वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ले के आए थे और उसको फिजिकली जो है यहाँ पे पढ़ा गया था, फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसे छाँट छाँट के बनाया था। तो उसको, ये थे हमारे BN राव थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, संवैधानिक सलाहकार। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और गोविंद पल्लव पंत संविधान सभा में एक मेंबर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस तरह के लाल बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाओ, घंटी नहीं दबाओगे सब्सक्राइब करने का को कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो जितने भी चारों नाम लिखे हुए हैं, ये चारों सारे नाम जो है बहुत ही फेमस व्यक्तियों के हैं, बहुत बड़े पर्यावरणविद रहे हैं सब, सलीम अली जी, जिन्होंने केवला देव घनार नेशनल पार्क बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनके नाम पे बहुत सारे पक्षी विहार हैं, नवाबगंज उन्नाव में भी एक पक्षी विहार इनके नाम पे है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से भी जुड़े रहे हैं, कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर है राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो आपकी इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में आई है उसको लाने का श्रेय इनको बहुत जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इन्होंने पर जल की व्यवस्था सुधारने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? तो ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे जो संविधान है उसमें लगभग 2/3 अनुच्छेद या तो हूबहू ऐसे ही रख लिए गए हैं, कहाँ से उठा के, भारत शासन अधिनियम 1935 से उठा के, या उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा जो आपका प्रभाव है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या पेड़ों की छालों में उगते हैं? तो क्या वो शैवाल, वहाँ कवक, अपघटक, लाइकेन में से क्या पेड़ों की छालों पर उगते हैं? तो जो लाइकेन होते हैं दोस्तों, ये पेड़ों की छालों से उगते हैं।
ये कवक और शैवाल से मिलके बनते हैं, कवक प्लस शैवाल इक्वल टू लाइकेन। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रमुख वायु प्रदूषक कौन सा है? तो जितने भी आपके नीचे लिखे हुए सारे वायु प्रदूषकों के नाम हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन वायु प्रदूषण की जब भी बात होती है तो सबसे प्रमुख वायु प्रदूषक होता है जो वह कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO। ओके, क्योंकि जो धुआं होता है उसमें सबसे ज़्यादा भाग इसी का होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन से बहुत जल्दी ये प्रतिक्रिया कर लेता है और जो है आपको ऑक्सीजन के प्रवाह को बंद कर देता है और आदमी के दम घुटने से मौत हो जाती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे बड़ा आपका वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन से वन उगते हैं? तो जहाँ पे खूब वर्षा होती है तो वहाँ पे हमेशा कौन से वन उगते हैं? सदाबहार वन। सदाबहार वन तीन कैनोपी में होते हैं, बहुत सारे घने पहले झाड़ियाँ, फिर उससे बड़े पेड़, फिर उससे बड़े पेड़, फिर वहाँ पे क्या होता है कि इनके वर्ष भर ये हरे बने रहते हैं, ये वन सदाबहार वन उनको बोलते हैं, जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है। निम्न में से कौन सी नदी है जो विलुप्त तो हो जाती है? ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सही से नहीं बना पा रहा था, लेकिन विलुप्त होने का मतलब ये है कि ये समुद्र, बाकी जितनी नदियाँ हैं या तो किसी नदी में मिल जाती हैं या समुद्र में जाके गिर जाती हैं, लेकिन ये नदी है कि ये गुजरात में कच्छ का जो रण है वहाँ पर आके विलुप्त हो जाती है। ओके, तो वो नदी है आपकी लूनी नदी। ओके, विलुप्त प्राय नदी है, इस टाइप से बहुत क्वेश्चन इसमें लूनी नदी के बारे में पूछे जाते हैं। ये नदी क्या है कि हमारे अरब सागर में गिरने के पहले ही सूख जाती है, कच्छ के रन में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? हरे पौधे हैं या ATP या सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो पारितंत्र में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत और सबसे प्राथमिक स्रोत आपका हमेशा सूर्य है। ये सिंपल क्वेश्चन है, जिन लोगों ने पर्यावरण को सही से पढ़ा हुआ है, और जिन लोगों ने अभी तक भी पर्यावरण को सही से नहीं पढ़ा हुआ है तो मेरे सारे वीडियो जो मैंने डिटेल में पर्यावरण को पढ़ाया है तो उसमें जाके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे वीडियो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग आयोग है, इसका पुराना नाम योजना आयोग था। ओके दोस्तों, तो योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो भारत जो डी होगा। तो नीति आयोग योजना आयोग को ही उसी तरह से इसका भी सिस्टम है, नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान यानी कोरल रीफ कहाँ पे है? मैंने सोचा था कोरल रीफ पे भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यूपीटेट पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोरल रीफ पे मैं एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये इस क्वेश्चन को आप लोग हमेशा याद रखना कि मूंगे की चट्टान कोरल रीफ सबसे बड़ी जो है कहाँ पे है, तो ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र है कैसा होगा? अंतरिक्ष पारितंत्र कहेंगे उसको, या कृत्रिम पारितंत्र कहेंगे, या स्वचालित पारितंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अंतरिक्ष पारितंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सॉरी, स्वचालित पारितंत्र नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कृत्रिम पारितंत्र। ओके, जो मानव पारितंत्र बनाता है, जैसे आपका कोई खेती हुआ कोई, या कोई की किसी किसान का खेत हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो मानव करता है उसको बोलते हैं कृत्रिम पारितंत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पार्क का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो मैं इसमें इस चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पढ़ा रहे थे, गलत पढ़ा रहे थे इस क्वेश्चन को, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मुझे लगा इसमें रखना चाहिए। ओके, तो राष्ट्रीय पार्क जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो वो जो है आपका जो वन संरक्षण अधिनियम पर आपका है वो आपका 1972, उसके हिसाब से जो राज्य सरकार होती है, जो राज्य सरकार होती है वो आपको किसी भी अपने जो उसका वन क्षेत्र है या कोई एक एरिया, उसको जो है वो नोटिफाई कर सकती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया वो राष्ट्रीय पार्क होगा। तो राज्य सरकार घोषित करती है, ना कि केंद्र सरकार। नेशनल पार्क वर्ड सोच के बहुत लोग सोचते हैं कि जो है इसको केंद्र सरकार करती है, लेकिन जी नहीं, ऐसा नहीं है, इसको राज्य सरकार करती है। लेकिन हाँ, अगर एक बार जो है एक प्रस्ताव पारित करके विधानमंडल पे वो करती है,
सॉरी एक नोटिफिकेशन के द्वारा वो घोषित कर देती है, और इसकी बाउंड्री जो होती है वो फिक्स होती है। लेकिन एक बार अगर नेशनल पार्क बन गया तो इसकी बाउंड्री में परिवर्तन करने के लिए फिर उसको एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, फिर नोटिफिकेशन के द्वारा जो है नहीं होगा। ओके, राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं करती है। जिसको किसी को भी डाउट होगा तो वो गूगल करके अपना जो वन संरक्षण अधिनियम 1972 है उसको एक बार देख लो, जिसको भी डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNEP का पूरा नाम क्या है? WWF का फुल फॉर्म आया था लास्ट ईयर, तो आपको फुल फॉर्म याद होने चाहिए। तो UNEP का पूरा नाम क्या है? UN से तो यूनाइटेड नेशंस है, ओके, संयुक्त राष्ट्र। और E से है इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये प्रोग को मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन्वायरमेंटल प्रोग्राम नहीं है, ओके, और ये एनर्जी प्रोग्राम भी नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अभी ई हरियाली ऐप लॉन्च किया है? क्योंकि मैं करंट्स के भी क्वेश्चन देता रहता हूँ तो आपका पर्यावरण का करंट भी तैयार हो जाए। तो किस राज्य ने अभी ई हरियाली ऐप लॉन्च किया है? ई हरियाली ऐप लॉन्च करने का मकसद है कि उस राज्य में जितना ग्रीन एरिया है उसको बढ़ाना चाहता है। तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है आपका पंजाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोग बहुत गलती करके आ जाते हैं क्योंकि इसमें अब मैंने ऑप्शन ऐसे दिए हैं, राष्ट्रपति, जनता या संसद, वो लोग जनता को टिक करके मार के आ जाएंगे, लेकिन जी नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ओके, वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जो बहुमत दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री बनाता है राष्ट्रपति। निर्वाचन जनता करती है उसका, लेकिन नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा ई वेस्ट पैदा करने वाला राज्य है? एक मैंने वीडियो बनाया था उसमें ऑलरेडी मैंने ई वेस्ट के बारे में बताया था कि कौन सा ई वेस्ट क्या होता है और कौन सा देश ई वेस्ट पैदा करता है। तो भारत में भी ई वेस्ट बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है, तो ई वेस्ट पैदा करने वाला सबसे ज़्यादा हमारा जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गज यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई है? दोस्तों गज मतलब हाथी, हाथी यात्रा की शुरुआत मतलब अभी ये रिसेंटली के क्वेश्चन था, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा हाथी कॉरिडोर है, 12 राज्यों में बहुत ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, तो पूरे 12 राज्यों पे ये यात्रा जाएगी। ये पर जो पर्यावरण वन मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्र सरकार की पहल है, जो हमारे मंत्री हैं केंद्र सरकार में, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये लॉन्च किया है गज यात्रा। और ये शुरू कहाँ से हुई है? ये हुई है मेघालय से। ओके, मेघालय में जो गारो हिल्स है वहाँ से शुरू हुई है, और ये यात्रा जहाँ पे जितने हाथी कॉरिडोर हैं हमारे यहाँ पे, करीब 100 हाथी कॉरिडोर हैं हमारे इंडिया में, 101, वहाँ से होते हुए यात्रा जाएगी। इसका मकसद है कि हाथियों को संरक्षण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन की सूची में, दोस्तों हमारे संविधान में 3 सूचियाँ हैं कि राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। जो केंद्र सूची होती है उस में जितने विषय होते हैं उन सारे विषयों पे कानून केंद्र सरकार बनाती है, और जो राज्य सूची होती है उस पे सारे विषयों पे राज्य सूची बनाती है। लेकिन एक समवर्ती सूची है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के तर्ज से ली गई है, मैंने क्वेश्चन भी डाला था लास्ट मॉडल पेपर पे कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो जो समवर्ती सूची में विषय होते हैं उसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार बनाती है तो केंद्र का मान्य होगा। तो जो वन है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड है और संविधान से भी रिलेटेड है। तो जो वन है वो हमारी समवर्ती सूची में है। ओके, तो जिसका आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला सौर ऊर्जा चलित एयरपोर्ट कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत न्यूज़ में था ये अभी। तो जो हमारा कोचीन एयरपोर्ट है, ये कोचीन एयरपोर्ट केरला में, वो जो है विश्व का पहला सौर ऊर्जा चलित एयरपोर्ट घोषित किया गया है। किसके द्वारा? UNEP के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी अभी बताया था आपको, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा पहला विश्व का सौर ऊर्जा चलित, पूरा वहाँ पे सोलर एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉवेन का पूरा नाम क्या है? WWF का फुल फॉर्म आया था तो सॉवेन का भी आ सकता है, तो अभी क्योंकि न्यूज़ में था ये काफ़ी, सॉवेन। ओके, तो सॉवेन का जो फुल फॉर्म है वो है आपका साउथ एशिया, एस फॉर साउथ, ए फॉर एशिया, W फॉर वाइल्ड लाइफ, E फॉर इन्फोर्समेंट, N फॉर नेटवर्क। ओके, तो इसमें जो साउथ एशिया का जितने नेटवर्क, सॉरी साउथ एशिया के जितने भी इसमें कंट्री हैं, भारत, पाकिस्तान, आपका म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान,
पाकिस्तान, ये सारे जो है इसके मेंबर हैं। और इनका मकसद है कि इस एरिया में जितने भी वाइल्ड लाइफ है उसमें भी जितने आपके रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उनको इन्फोर्स करना, लागू करना। ओके, और इसका जो मुख्यालय है सावेन का वो काठमांडू में है। ओके, और यहाँ पे काठमांडू में, और इसके सबका रीजनल जितने भी इसके कुछ रीजनल में मुख्यालय भी हैं जो सारे देशों में एक एक हैं, लेकिन इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सावेन, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों को घटते क्रम में लिखो। तो मतलब इसमें कौन सी जो क्रम है वो सही है इसमें आपको देखना है। तो नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गलत है। बी में लिखा हुआ है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में पाई जाती है आपकी क्या, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो जिसका आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है काफ़ी फेमस है, पता होगा आपको, मध्य प्रदेश में। ओके, सारे उद्यान मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखें, जितने इम्पोर्टेंट उद्यान है उस पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं ऑलरेडी डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था उसको बोला जाता है जो उसका जिक्र संविधान में होता है, संविधान के किसी अनुच्छेद के द्वारा उसका निर्माण होता है, उसको बोला जाता है संवैधानिक संस्था। तो चुनाव आयोग, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा। ओके, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ओके, ये भी एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 148 के तहत आपका नियंत्रक एवं एक महालेखा परीक्षक होगा। नीति आयोग, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और नीति आयोग। तो जो यहाँ पे नीति आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ओके, बाकी सारी संवैधानिक संस्थाएँ हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी में है? तो अभी आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी का आपका अनावरण हुआ है नर्मदा ज़िले में, गुजरात के, सरदार पटेल की जो जो मूर्ति है, लेकिन कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते। ओके, तो उसी के पास में ये एक सरदार सरोवर बांध है, वो जो है किसमें है, नर्मदा नदी पे। ओके, बहुत फेमस बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस प्रोटीन संश्लेषण में काम आती है? तो ये चारों गैसें हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट गैसें हैं, तो उसमें जो नाइट्रोजन गैस है दोस्तों वो प्रोटीन संश्लेषण के काम में आती है, ऑक्सीजन हमारी श्वसन में काम आती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्रकाश संश्लेषण में काम आती है, और मेथेन हमारी सीएनजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पालघाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो पालघाट, बालघाट ये दर्रे हैं कुछ जो हमारे पश्चिमी घाट में स्थित हैं। ओके, जैसे आपने हिमालय में बहुत सारे दर्रे सुने होंगे, तो उसी तरह से ये जो है पालघाट नाम का एक दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पश्चिमी घाट में है हमारे। ओके, जो आपका ये भारत है, तो मैं कई बार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बताता आ रहा हूँ। तो भारत में क्या है दोस्तों, ये आपका जैसे ही मुंबई से शुरू होके ये एक पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स तक, ऐसे ही पूर्व में यहाँ उड़ीसा से लेके ऐसे तक एक पर्वत किनारे किनारे पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो ये दोनों आके जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स में आकर दोनों पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर मिलते हैं? तो इसी ये पाल घाट, भोर घाट और बाल घाट, यहाँ पे तीन दर्रे हैं, इनसे रेल मार्ग निकलते हैं और इस साइड में शहरों से जुड़ते हैं। ओके, ये है कहानी। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, मैं ऐसे ही 10 वीडियो कम से कम डालूंगा। ओके, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ऑसम डे, लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।